मैं बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी विषय में पीएलएम बनाया हूँ जो क्लास 1-2 के लिए लाभदायक है। इसे हम इस तरह से देखेंगे, इसे कहेंगे अपोजिट। देखिए ये आपका अपोजिट डाउन होता है, बच्चे को उसे सिखाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे ही बंदर ऊपर गया एफ अप हो गया, और ये ज़्यादा नीचे जैसे करेंगे ये डाउन हो गया। इस तरह से बच्चे को हम अप और डाउन सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आउट द ऑपोजिट इन, फिर अगर अप को करते हैं तो ये आउट हो गया, फिर इसे जब नीचे करेंगे तो ये इन हो गया। इस तरह से आउट और इन बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन का ऑपोजिट क्लोज होता है, ये इस तरह से करेंगे तो ये ओपन हो गया, जस्ट इसको बंद करेंगे क्लोज कर रहा है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे है फुल एंड इम्पटी, ये भरा हुआ तो फुल कहेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट इम्पटी होता है, जब इसे ऐसे कर देंगे तो इम्पटी हो गया, जिसे हम इम्पटी यानी खाली करेंगे। नेक्स्ट है ऑन ऑफ, अभी अगर हम इसे इस तरह करेंगे ये तो ऑफ हो गया, जो अंधेरा छा जाता है, उसके बाद ये ऑन की स्थिति में। इस तरह हम बच्चों को ऑन और ऑफ सिखा सकते हैं। आगे लॉन्ग एंड शॉर्ट सिखाएंगे, अभी शॉर्ट स्थिति में है, जब इसे हम फैलाएंगे तो ये लॉन्ग हो गया, और जब इसे करेंगे तो शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग और शॉर्ट हो गया। इसके बाद हैप्पी, ये हैप्पी है, ये सैड। इस प्रकार हम बच्चों को पीएलएम के माध्यम से ऑपोजिट वर्ड सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हम बहुत ही अच्छे से खिलौना के माध्यम से वॉयल्स बच्चों को कैसे सिखाएंगे, उसके लिए है ये ए ई आई ओ यू, जो 5 वॉयल्स हैं उसको हम बच्चों को इस तरह से बताएंगे। ये अगर हम खींचते हैं, ये पहला वॉयल्स ए है, सेकेंड ई, थर्ड आई, फोर्थ ओ, फिफ्थ यू। इस तरह से बच्चे खेलते खेलते वॉयल्स को सीख जाएंगे। और डेज ऑफ नेम भी बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, जो सामने दिख रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। थैंक यू, थैंक यू।